बिग बॉस OTT 3 में शामिल हुए कंटेस्टेंट्स में से अरमान मलिक को सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स माना जा रहा है। अनिल कपूर के शो में आए बाकी कंटेस्टेंट्स के मुताबिक अपनी दो वीवियों के साथ शो में आने वाले अरमान को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि वो अपने दो वोट यानी कि उनकी दोनों पत्नियाँ उनके साथ आई हैं और उनके घर में इस बार रियलिटी शो में लेकर भी आए हैं। और इसी बीच पायल मलिक ने अपने पति अरमान मलिक की पोल खोल दी है। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिरकार क्या बोला है पायल मलिक ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। अरमान मलिक सोशल मीडिया पर अपनी दोनों वीवियों के साथ अक्सर ब्लॉग शेयर करते हैं। इसके साथ ही वो दावा करते हैं कि पायल और कृतिका दोनों उनके साथ आपसी सहमति से रह रही हैं और तीनों साथ में बेहद खुश हैं। लेकिन इसी बीच पायल के एक वीडियो ने अरमान मलिक के दावे की पोल खोल दी, क्योंकि पति की दूसरी शादी के बारे में बात करते हुए टूट गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। पायल ने बिग बॉस के घर में बताया कि किस तरह उनके पति अरमान ने उन्हें बिना बताए उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका संग दूसरी शादी कर ली। पायल ने अनिल कपूर के सामने बताया कि मेरा और अरमान का बॉन्ड ऐसा था जो पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त की तरह भी रहते थे। हम दोनों माँ बाप के जैसे भी अपना रिश्ता रखते थे, क्योंकि मैं अपने माता पिता को छोड़कर आ चुकी थी और इनका कोई नहीं था। ऐसे में जब अरमान ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि उन्होंने कृतिका संग शादी कर ली है, तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अरमान मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकते हैं। इसके आगे पायल ने बताया कि फिर जब अरमान ने मुझे वेडिंग सर्टिफिकेट और शादी की तस्वीरें भेजी, तो मैंने फील किया कि ये क्या हो गया। अब मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपना घर परिवार छोड़ दिया था और मेरा एक बेटा भी था जो बहुत छोटा था। इनके अलावा मेरा कोई नहीं था। 8 साल से इन्हीं के साथ रह रही हूँ, तो मेरे लिए इनको छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि कोई बात नहीं, अब जो है उसके साथ ही हम सब आगे बढ़ते हैं। वहीं ये सब कहते कहते पायल की आंखें भी भर जाती है। वीडियो में पायल का दर्द साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कृतिका को अपने पति की दूसरी पत्नी के रूप में देखकर काफ़ी दुखी हुई थी। हालांकि समय के साथ दोनों के रिश्ते अब सुधर चुके हैं। दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों अक्सर साथ में वीडियोज़ भी शेयर करती हुई नज़र आती हैं। वहीं मुनीषा खटवानी ने बीच में टोकते हुए पायल से पूछा, तुमको नहीं लगा कि इसने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया? आपकी दोस्त, आपकी सबसे अच्छी दोस्त होकर आपके पति से शादी की? हालांकि पायल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती और खूब रोने लगती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें।